हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज ओमकार सिंह। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश। गाइस, आज क्लास नाइन्थ इंग्लिश बिहेव लेसन नंबर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लेसन नंबर 4। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ आइंस्टीन्स फर्स्ट वाइफ। आइंस्टीन की पहली पत्नी का क्या नाम था। द नेम ऑफ आइंस्टीन्स फर्स्ट वाइफ वॉज मिलेवा मैरिक, हु वॉज 3 years ओल्डर देन हिम। आइंस्टीन की फर्स्ट वाइफ का नाम मिलेवा मैरिक था, जो कि उनसे 3 साल बड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड आइंस्टीन गेट नोबेल प्राइज। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ था। आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। उन्हें नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए 1921 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस। भाई, पेटेंट ऑफिस में आइंस्टीन अपनी डेस्क की ड्रॉअर को क्या कहते थे और क्यों कहते थे ऐसा। आइंस्टीन कॉल्ड द डेस्क ड्रायर इन द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थर्टिकल फिजिक्स। ही कॉल्ड सो एज ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर्स इन्वेंशंस। मतलब इसलिए वो आइंस्टीन जो है पेटेंट ऑफिस में डेस्क की दरार को ब्यूरो ऑफ थर्टिकल फिजिक्स कहते थे, अर्थात भौतिकी सैद्धांतिकी सिद्धांत। और इसलिए ऐसा कहते थे कि लोग उन्हें ये मानते थे कि वे दूसरों के आविष्कारों को लिखते हैं या उनका आकलन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिया हमने फ्रेंड्स, व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे उनके लिए लेटर क्यों लिखा था। तो आइंस्टीन रोट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बिकॉज ही फियर टू नाजीस। ही वार्न्ड दैट अ सिंगल दैट दैट ए सिंगल सच टाइप ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कुड डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट विद सम सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने जो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र लिखा था क्योंकि वे नाजीज से डरते थे, क्योंकि जर्मन में जो नाजीज लोग थे वह ऑटोमिक बॉम्ब बना सकते थे। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक लेस मात्र भी सिंगल केवल ऑटोमिक बम का प्रहार किया जाता है तो वह पूरे पोर्ट बंदरगाह को आसपास के समस्त साम्राज्य को नष्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है, Why does the world remember Einstein as a world citizen? Einstein के लिए विश्व नागरिक के रूप में संसार क्यों याद करता है। The world remembers Einstein as a world citizen because he thought about the future in intelligent manner. He used his popularity to campaign for peace and democracy. पूरा संसार आइंस्टीन के लिए विश्व नागरिक के रूप में इसलिए याद करता है क्योंकि उन्होंने संसार के बारे में, संसार के भविष्य के बारे में बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक विचार किया और उन्होंने संपूर्ण संसार में शांति और लोकतांत्रिक कैंपेन के लिए पॉपुलरिटी दिखाई थी। लॉन्ग आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ आइंस्टीन इन ब्रीफ। आइंस्टीन का संक्षिप्त में चरित्र चित्रण कीजिए। एक ही क्वेश्चन सफिशेंट है इसके लिए।
Albert Einstein was born on 14th March 1879 in Ulm, Germany. He did not speak a word till he was 2.5 years old. He left school at Munich at the age of 15 because he hated school's regimentation. He got admission in Switzerland and graduated in 1921. He had published his journal Theory of Relativity in 1915. He got the Nobel Prize in 1921 for physics. He died in 1955 at the age of 76. He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं. आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था. वह 2.5 साल तक बोल नहीं सके, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, और 15 वर्ष अवस्था में उन्होंने म्यूनिख के स्कूल को छोड़ दिया था क्योंकि वह वहाँ के जो रेजिमेंटेशन था, अनुशासन था, उससे घृणा करते थे. और स्विट्जरलैंड में उन्होंने एडमिशन लिया और 1921 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया. इससे पहले ग्रेजुएशन करने से पहले ही आइंस्टीन ने ग्रेजुएशन करने से पहले ही आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत थ्योरी प्रकाशित कर दी थी और उन्हें 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया. 1955 में 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और पूरा संसार उन्हें विशनरी और वर्ल्ड सिटीजन के साथ साथ साइंटिफिक जीनियस के रूप में मनाता है या मानता है. तो ये क्वेश्चन आंसर हुए. उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे.